गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके सामने अंतिमा मिश्रा, क्लास फर्स्ट का इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपका चैप्टर 7 है। फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो आप लोग जरा ध्यान से समझिए और सुनने की कोशिश करिए कि मैम क्या समझा रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये ग्रामर सेक्शन है, फर्स्ट क्लास में है तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही, लेकिन प्लीज बेटा जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ग्रामर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, जैसे जैसे आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप घर पे उसे करिए, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, मैं उसे चेक करूँ, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 7, ही और शी। ही और शी से आप क्या समझते हैं? ही और शी का मतलब दोनों मतलब एक ही होता है, वह। ही का भी मतलब वही होता है, शी का भी मतलब, यानी दोनों का मतलब होता है वह, ठीक। अब ही किसके लिए आता है और शी किसके लिए आता है, ये बात ध्यान से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ही हमेशा लड़कों के लिए आता है, बॉय के लिए आता है। ही हमेशा बॉय के लिए और शी हमेशा गर्ल के लिए, ये हमेशा याद रखो। आप कभी भी सेंटेंस पढ़ेंगे या समझेंगे या स्टोरी रहेगी या पोयम रहेगी, कुछ भी रहेगी, अगर सेंटेंस आता है ही और शी वाला, तो ही हमेशा आप ध्यान रखेंगे बॉय के लिए होता है और शी हमेशा होता है गर्ल के लिए। जैसे मैं नीता इज ए गुड स्टूडेंट, क्या लिखा है, नीता एक अच्छी विद्यार्थी है ना। तो नीता क्या है, किसी लड़की का नाम होगा और लड़की के लिए हम क्या बताते हैं, शी। तो ये याद रखेंगे कि शी का प्रयोग हमेशा गर्ल के लिए होता है। आपको यहाँ गर्ल लिखा नहीं रहेगा, आपको ये समझना रहेगा नीता क्या है, एक गर्ल है, तो यहाँ पर हम गर्ल का प्रयोग किसके लिए करेंगे, शी के लिए करेंगे। समझ में आया, गर्ल नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपको ये समझेंगे कि नीता एक लड़की है, लड़की के लिए हमेशा हम शी का प्रयोग करेंगे, तो शी इज ए गुड स्टूडेंट। समझ में आया, ही और शी का प्रयोग कैसे करना है, अगर नाम दिया है तो उस नाम के बदले अगर सेंटेंस दिया रहेगी, जहाँ नाम दिया है उसके बदले आपको ही और शी का प्रयोग करना है। तो आप नाम पहचान ही कर गीता, मीता, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है ना, मदर का भी नेम हो सकता है, लेकिन नेम गर्ल का ही होना चाहिए। जब गर्ल का नेम आप जान जाएंगे वहां पर आप लगा सकते हैं शी, क्यों, क्योंकि ये लड़की है, लड़की के लिए हमेशा शी का प्रयोग करते हैं, ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं हम ही का प्रयोग कैसे करते हैं। ही का प्रयोग कैसे किया गया है, राज इज ए गुड बॉय, सिंपल सी बात है, आपको नाम से ही समझ में आता है कि गर्ल का नाम क्या होगा, बॉय का नाम क्या होगा। अगर मीता पूछा जाए तो क्या आप ही लगाएंगे, श्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है, गर्ल वाला मैंने समझाई हूँ, जब लड़की का नाम हो तो आप हमेशा शी का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखिए राज इज ए गुड बॉय, राज एक अच्छा लड़का है, तो बॉय के बारे में बात हो रही है, राज क्या है, एक लड़की का नाम है, लड़की का तो नाम है नहीं, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे लड़कों के लिए हमेशा ही और लड़कियों के हमेशा शी का प्रयोग करेंगे। और सिंपल सा है, जैसे लिखा गया है ही इज ए डांसर, अब सिंपल सी बात है, ही इज ए डांसर, देखो लड़के का नाम नहीं दिया गया लेकिन ही दिया गया है, लेकिन आप ही से समझ सकते हैं कोई एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो ही इज ए डांसर, वो अच्छा डांसर है ना। तो इससे आपको समझ में आता है कि लड़की तो होगी नहीं, लड़की हो, लड़का होगा, क्यों लड़का होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ही का सेंटेंस ही का प्रयोग हुआ है, तो हमेशा जब ही का प्रयोग हो तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लड़के के लिए ही लगाया जाता है और लड़की के लिए हमेशा गर्ल का, गर्ल के लिए हमेशा शी का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है हिंदी में। ओह समझ में आया, किसी तरह से बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ,
लेकिन बेटा आप ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। पेरेंट्स प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा बच्चे हैं, छोटे हैं, जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो जो न समझ रहे हैं थोड़ा उनकी हेल्प करिए। लुक रीड एंड अंडरस्टैंड, देखो पढ़ो और उसे समझो। मानस इज ए बॉय, ही इज मिनीज ब्रदर। मानस क्या है? एक लड़का है, सिंपल सा है। लड़के के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। ही इज मिनीज ब्रदर। मिनी इज ए गर्ल, मिनी एक लड़की है। शी इज मानस सिस्टर, वो किसकी है? मानस की सिस्टर है, मानस की बहन है। मिस्टर राघव मेहता इज ए मैन, मिस्टर राघव मेहता क्या है? एक आदमी है। ही इज देयर फादर, ये उसके पिता है। मिसेज ललिता मेहता इज ए वुमेन, वो एक वुमेन है। ही इज देयर, सॉरी शी इज देयर मदर, वो उसकी माता है। द वर्स, अब देखो वर्स में ध्यान दो। बॉय ब्रदर मैन एंड फादर बिलोंग टू द ही, चाहे यहाँ पर फादर रहे, ग्रैंड फादर रहे, राज रहे, रोहित रहे, चाहे जो भी रहे, ब्रदर रहे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। ये याद रखिएगा अगर सेंटेंस में कहीं लड़के के बारे में बात हो रही है तो हम ही का प्रयोग करेंगे। इसी ही के प्रयोग को हम इसे कहते हैं मस्कुलिन जेंडर, यानी पुल्लिंग, जिसमें लड़कों के यानी जिसे पुरुष जाति का बोध हो वही हमारा मस्कुलिन जेंडर होता है। मस्कुलिन जेंडर कब होगा? जब ही का प्रयोग होगा। जब ही का प्रयोग करेंगे, ही हमेशा लड़कों के लिए आता है, पुरुष जाति के लिए आता है, तो इसे हम डिटेल में कहेंगे मस्कुलिन जेंडर। जहाँ लड़कों के बारे में बोध हो या लड़कों के बारे में बात हो रही हो तो उसे कहते हैं हम मस्कुलिन जेंडर। अभी आप इतना जानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये आपको जानना जरूरी है। जहाँ लड़कों के बारे में या पुरुष जाति का बोध हो वहाँ हाँ वो क्या हो जाता है? मस्कुलिन जेंडर हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। ठीक, अभी आगे चल के देखिए इसके बारे में बात होगी। द वर्ड्स गर्ल सिस्टर वुमेन, अब इधर देखिए इसमें देखिए क्या बताया गया है। अब जैसे बॉय है, ब्रदर, मैन एंड फादर। अब यहां पर गर्ल सिस्टर वुमेन और मदर, यहां पर हम ही का और यहां पर हम शी का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा है, बॉय भी लड़कों में आता है, ब्रदर भी लड़कों में आता है, मैन भी आदमी में आता है, फादर भी, तो जहाँ पुरुष जाति का बोध तो वो क्या हो जाता है? मस्कुलिन जेंडर। आप ये ध्यान देंगे जहाँ पुरुष जाति का बोध हो वो हमारा पुल्लिंग होता है, मस्कुलिन मतलब पुल्लिंग। ठीक है, जहाँ पर स्त्री जाति का बोध हो, ओनली गर्ल पर्सन यानी लड़कियों के बारे में बात हो रही हो, स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? फेमिनाइन जेंडर, जिसमें से लड़कियों का है। देखो गर्ल एक लड़की है, सिस्टर भी एक लड़की है, वुमेन भी एक लड़की है, मदर भी एक लड़की है ना। गर्ल का स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना, तो इसीलिए हमें इसमें शी का प्रयोग है, और जहाँ शी का प्रयोग हो वो कहलाता है फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, समझ में आया? आप ये बात को ध्यान रखेंगे, जहाँ पुरुष जाति, जहाँ लड़कों के बारे में बात हो रही है तो हो जाता है मस्कुलिन जेंडर, जहाँ स्त्री जाति का बोध हो गया है लड़कियों के बारे में बात हो रही तो हो जाता है फेमिनाइन जेंडर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला है 35 में, देखिए कह दिया है इन ग्रामर ही ग्रुप्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर ही का प्रयोग हो वो आपका मस्कुलिन जेंडर होता है, जहाँ पर शी का प्रयोग हो वो आपका हो जाता है फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो इसमें आपका सम ही शी वर्ड्स, कुछ ही और शी के शब्द दिए गए, आप ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। आपको घर बैठे बैठे किताब भी पढ़ना चाहिए, जब तक बुक आप पढ़ेंगे नहीं, सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं, वर्ड्स पढ़ेंगे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे आप सेंटेंस
पढ़िए, वर्ड्स पढ़िए, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना चाहिए। फर्स्ट क्लास में है तो धीरे धीरे आप जब तक शब्द जानेंगे नहीं तो आपको कुछ मतलब नहीं समझ में आएगा, तो छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, अगला है ही ग्रुप दिया है और शी ग्रुप। अब देखो पर्सन एनिमल में भी होता है ही और शी, ये तो आपको पता है। कॉक क्या है, ही में आता है, फीमेल मेल में आता है, यानी वो कॉक क्या है आपका ही पर ही में ही ग्रुप में आता है। उसका अपोजिट यानी उसका हो जाएगा है शी ग्रुप में आएगा, ये आपका स्त्री जाति में आता है। इसी तरह से डॉग और पिच, पिको पी है, सर मैडम सर, तो सिंपल सर है ही में आएगा, लड़कों में है तो ही का प्रयोग किया गया है, मैडम लड़कियों में इसलिए हमने शी का प्रयोग किया गया है। प्रिंस प्रिंसेस, सन डॉटर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, लॉयन लॉयनेस, अब इधर ही ग्रुप है और इधर भी शी ग्रुप है, ध्यान देंगे। बुल काउ हॉर्स मैरी अंकल आंट, गॉड गॉडेस, नेफ्यू नाइफ, किंग क्वीन, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, टाइगर टाइग्रेस। इसे वेरी इसे बहुत जल्दी ही आप लोग लर्न करेंगे, याद करना स्टार्ट कर देंगे। याद करने के बाद स्पेलिंग लिखिए, अपने से सारी स्पेलिंग लिखेंगे और उसे चेक करवाएंगे अपने पेरेंट्स से। नहीं पेरेंट्स कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फोटो भेज सकते हैं तो मैं आपका वो चेक कर दूंगी। लेकिन आप याद करेंगे, जितना आप याद करेंगे, जितनी स्पेलिंग लर्न करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक, विलर वर्ड्स विच पॉइंट टू अ मेल आर कॉल्ड ही वर्ड्स। मेल मेल मतलब भी पुरुष जाति होता है, मैन मतलब भी पुरुष होता है, बॉय मतलब भी पुरुष होता है, तो जहाँ बॉय मैन इसकी बात हो तो वहां पर आप मस्कुलिन जेंडर लगाएंगे। ठीक, ही वर्ड्स एंड विच पॉइंट टू फीमेल आर कॉल्ड शी वर्ड्स। सिंपल सा है, मेल के लिए हम मस्कुलिन जेंडर, शी के लिए हम फेमिनाइन जेंडर। समझ में आया आपको, गर्ल के लिए हमेशा हम शी का प्रयोग, बॉय के लिए हमेशा हम ही का प्रयोग करेंगे। इन ग्रामर ही वर्ड्स आर कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर, ग्रामर सेक्शन में ही का प्रयोग के लिए हम मस्कुलिन जेंडर करते हैं और शी वर्ड्स के लिए हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ प्रैक्टिस टाइम। देखो प्रैक्टिस टाइम आप कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको अपने माइंड में ये रखना है ही का प्रयोग लड़कों के लिए, शी का प्रयोग लड़कियों के लिए, ही के लिए हम मस्कुलिन जेंडर का कहा जाता है और शी को हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके बाद में प्रैक्टिस टाइम, देखो आपको लाइन करना है और मैच करना है। ही ग्रुप दिया गया है और शी ग्रुप, सिंपल सा है, एक लड़कों का ग्रुप है और एक लड़कियों का है, तो लड़का और लड़की में आपको अंतर है, अंतर पता चल गया है। सर का क्या होगा, सर एक पुरुष जाति है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो शी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैडम दिया गया है तो शी में मैडम होगा, तो सर और मैडम को आप मिलाएंगे। इसी तरह से आप कंप्लीट करके मुझे जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है, अब अगला आपका आ जाता है लुक एट दिस वर्ड्स। अब देखो वर्ड्स आप देख रहे हैं, पुट द ही ग्रुप इन बस नंबर वन, शी ग्रुप इन बस नंबर टू। अब इसमें वन और टू बस नंबर देखिए दिया गया है ना, बस नंबर वन बस नंबर टू, वन आपका है ही ग्रुप के लिए और टू आपका है शी ग्रुप के लिए, तो आपको इन कॉलम में जो आपको ही दिखे बॉय वाला दिखे आपको बॉय में भरना है, जो शी दिखे आपको शी ग्रुप में भरना है। ठीक, एक एग्जांपल बताती हूँ, सन सन मीन्स बेटा होता है ना, तो ये क्या है ही में आएगा कि शी में आएगा, सिंपल सा है, बेटी रहती तो शी में आता, बेटा है तो इसीलिए ही में आएगा, तो हम इसलिए बस नंबर
वन का वन में लिखेंगे, टू वाला टू में लिखेंगे। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो देखो बेटा, आपका ये चैप्टर 7 बी और सी है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ग्रामर सेक्शन है। इसी से ही आपकी शुरुआत होगी कि हमें ग्रामर में क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। सबसे पहला रूल है ही और शी में, ही हमेशा लड़कों के लिए आता है, जो लड़कों के लिए यूज होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं यानी मैस्कुलिन कहते हैं। शी हमेशा लड़कियों के लिए आता है, जिसे हम शी इसका यूज होता है उसमें स्त्री जाति का बोध होता है, तो वो फेमिनाइन जेंडर होता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी। ओके, तो बेटा प्लीज आप ये प्रैक्टिस टाइम है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर।